पूरे देश में बड़ी चुनावी तपिश के बाद भी गांधी परिवार के गढ़ में सियासी पारा ठंडा पड़ा है। ये पहला मौका है जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में चंद दिन शेष हैं और राजनीति की रंगत फीकी है, प्रत्याशी तक तय नहीं। इसके लिए न भाजपा आगे आ रही है और न ही कांग्रेस। राजनीतिक पहलू ये है कि दोनों दल हर हाल में यहाँ चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा जीती तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दूसरे मजबूत गढ़ को भी नहीं बचा पाई। वहीं भाजपा के लिए भी विडंबना है, हारने पर दो कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठेगा। राजनीतिक मंचों से ताना भी दिया जाएगा कि सोनिया के मैदान से हटने के बाद भी पार्टी रणनीतिक रूप से विफल रही। सियासी दावपेच से दोनों दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि वोटर भी असमंजस में। सवाल साफ है कि आखिर रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। सत्ता गिरण में एक तरफ पंजे की चाल है तो दूसरी तरफ कमल का चक्र भी। इनमें कौन किसे मात देगा ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मौजूद जरूर है। दरअसल रायबरेली संसदीय सीट से प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री एवं उच्चाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे समेत कई ऐसे दावेदार हैं जिनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। इन सबके बीच भाजपा हाईकमान को इस बात की भी चिंता है कि कहीं स्थानीय प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतारने से पार्टी के अंदर खींचतान न मच जाए। भाजपा ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो चुनाव भी जीत सके और उसके मैदान में उतरने के बाद पार्टी में किसी तरीके की खींचतान भी न हो। साल 2023 में हुए निकाय चुनाव में आपसी खींचतान की वजह से नगर पालिका परिषद रायबरेली की सीट हाथ से निकल गई थी। कमजोर समझे जाने वाली कांग्रेस उम्मीदवार ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर ली। आपसी खींचतान की काट के लिए ही भाजपा बाहरी पर दाव लगा सकती है। वहीं मां की विरासत कौन संभालेगा ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन यहां से प्रियंका गांधी के ही चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए ताकि देश और प्रदेश में इस बात का संदेश जाए कि गांधी परिवार अपने गढ़ को अपना परिवार समझता है। दरअसल विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे को अक्सर उठाती रही है कि गांधी परिवार रायबरेली का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करता है, उसे यहाँ की जनता की कोई फिक्र नहीं। रायबरेली में जितना विकास होना चाहिए था गांधी परिवार उतना विकास नहीं करा पाया। पार्टी सूत्र बताते हैं कि प्रियंका ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, बस ऐलान किया जाना शेष है। अंदर ही अंदर नामांकन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो फिर यहां पर ये तय है कि यहां से रायबरेली सीट हॉट सीट बन जाएगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।